अगर ये ट्रेलर है तो हाथ जोड़ कर पर पिक्चर नहीं बनाना, नहीं बनाना। मोदी जी, मोदी जी 4 जून को पूरा हिंदुस्तान शान से कहेगा, दिवाली मनाएगा और बोलेगा अलविदा भाजपा, अलविदा भाजपा। और इन्हें ये खबर नहीं है, ये दिल वालों की दिल्ली है। एक बार केजरीवाल को थप्पड़ मारा, 3 बार मुख्यमंत्री बने। कन्हैया कुमार को 1 बार चांटा मारा, 30 बार सांसद बनेंगे। 100 किलो भाषण दे के सुना के 5 किलो राशन देते हैं। 5 किलो राशन के लिए 100 किलो भाषण हमें सुनना पड़ता है। हम थक गए, हम पक गए, हम डर गए। उनको देखते हैं, हम रिमोट ले लेते हैं। एक आदमी थे भैया, मोदी जी बार बार आ रहे थे, रिमोट से बदल रहे थे, उठाया जूता, टीवी फोड़ दिया इन्होंने। देखो इसको नहीं देखो, ये देखो, ये देखो, मेरे सामने खड़े अपने टीवी फोड़ दिया। देखिए राहुल गांधी जी इस बार अपना वोट झाड़ू को देंगे और केजरीवाल जी अपना वोट हाथ को देने जा रहे हैं। जब दो बड़े नायक मिल गए तो नालायक तो भाग ही जाएंगे। इतने बड़े नायक मिले हैं, 10 साल के सांसद होने के बाद किसी को उनका नाम याद नहीं है। क्या याद है? रिंकिया के, क्या याद है? रिंकिया के पापा। उनका नाम नहीं जानते लोग, इतने बदनाम आदमी है कि रिंकिया के पापा है। इनका एक दोस्त है रवि किशन। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ रवीना। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ठीक उसी जगह अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं। कन्हैया कुमार का ये क्षेत्र है जहाँ से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी खड़े हैं। 2 दिन के बाद फैसला होने वाला है कि जनता किसकी तरफ जाएगी, जनता के मन में क्या है और जनता किसको चुनेगी। और इसी पर हम जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं कि उनको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है, कांटे की टक्कर होने वाली है या जनता के दिल में अलग ही कुछ माहौल चल रहा है। संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले तो सर बोर्ड लेकर आते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, आज कुछ नहीं लेकर आए। आज रोड शो था, मुझे लगा कि खुद को संभाल लूं, इतनी अपार भीड़ हुई है। आप देखो चलने की जगह नहीं है। अपने नायक और अपने विजेता कन्हैया कुमार और केजरीवाल को देखने के लिए इतनी अपार संख्या में लोग आए कि मुझे खुद को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। बोर्ड क्या संभाल पाऊंगा। आप देख ही रही कि ये भीड़ अपने आप में तस्दीक कर रही है इस बात की, इस बात पे ठप्पा है कि कन्हैया कुमार जीत गए। और 10 साल की जो बीमारी थी क्षेत्र की, जिसका नाम मनोज तिवारी है, उस बीमारी का इलाज करने के लिए राहुल गांधी ने एक डॉक्टर भेजा है जो जख्मों पर पट्टी करेगा, मलहम लगाएगा, हमारे दुखों को दूर करेगा। वो डॉक्टर जीतेगा, बीमारी हारेगी। ये अश्लील गाना गाने वाले, लहंगे को रिमोट से उठाने वाले और चाटा खा के बीबी का दांत निकालने वाले, बियर पीने और बेबी को पिलाने वाले, छम छम करके नाचने वाले, इसलिए मोदी जी को पसंद है। अश्लील आदमी, अश्लील गायक थे, टिकट बचा लेंगे लेकिन जीत नहीं बचा पाएंगे। जनता ने तय कर लिया है कि अब की बारी कन्हैया कुमार। क्या इस चीज से परेशानी हो गई है कि गायक हैं वो, गाना गाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं? नहीं, गायक होने से कोई परेशानी नहीं है। आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, मैं ब्राह्मण कुल का बच्चा हूँ। हम ब्राह्मणों ने हमेशा समाज को शिक्षा दिया है, संस्कार दिया है, अच्छी बातें की है। मैं शर्मिंदा हूँ, ब्राह्मण है, कभी पंडितों ने ये नहीं कहा बियर ऐसे पियो और बियर बेबी को ऐसे पिला के नाचने लगो। कभी ब्राह्मणों ने नहीं कहा लहंगा को रिमोट से कैसे उठाना। हमने तो ज्ञान दिया है। आज मैं शर्मिंदा हूँ कि वो मेरे परिवार के हैं, मेरे घर के हैं, मेरे कुल के हैं। मैं ब्राह्मण होकर कहता हूँ कि वो 10 ऐसे काम बता दे मनोज तिवारी, 10 साल में मैं उन्हें जिंदगी भर वोट दूंगा। वो 10 काम अगर गिना दें, नहीं गिना सकते क्योंकि वो हाफ टाइम एमपी थे, आधे समय के एमपी हैं। कभी वो रिंकिया की माँ के साथ गाना गाने चले जाते हैं, कभी नाचने चले जाते हैं, कभी मुंबई में फिल्म बनाने चले जाते हैं। यहाँ की जनता से पूछ लो कि कहीं वो यहाँ मिलते हैं क्या? जमुना पार में उनका घर है क्या? इनको दुख तकलीफ हो जाए कहीं मिलते हैं क्या? भैया मनोज तिवारी का घर कहाँ है? कहाँ? आम आदमी से नहीं मिलते, वीआईपी से मिलते हैं। आप सुनिए, और वोट कौन देगा? वोट देंगे हम भाई, वोट देंगे हम। और बड़े बड़े बोर्ड लगा के सोच रहे थे वोट आ जाएगा, अरे जाके बोर्ड से वोट ले लो, हम तो कन्हैया कुमार को वोट दे रहे हैं। जोश अलग दिख रहा है पीछे मेरे, देखिए एक तरफ आम आदमी पार्टी का झंडा है तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी का झंडा है। कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार है, केजरीवाल जी आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं जी? देखिए राहुल गांधी जी इस बार अपना वोट झाड़ू को देंगे और केजरीवाल जी अपना वोट हाथ को देने जा रहे हैं। जब दो बड़े नायक मिल गए तो नालायक तो भाग ही जाएंगे। इतने बड़े नायक मिले हैं,
इतने बड़े नायक के आगे ये नालायक नचनिया बंदनिया ये कहाँ रुकने वाले, इनकी छुट्टी हो गई है। मैं जब जनता से बात कर रही हूँ, जनता सीधा सीधा एक नाम ले रही है, रिंकिया के पापा मनोज तिवारी तक नहीं बोल रहे, क्या हो गया है? देखिए उनकी जीवन भर की यही कमाई है, कमाई। 10 साल का सांसद होने के बाद किसी को उनका नाम याद नहीं है, क्या याद है? रिंकिया के, क्या याद है? रिंकिया के पापा। उनका नाम नहीं जानते लोग, इतने बदनाम आदमी है कि रिंकिया के पापा है। इनका एक दोस्त है रवि किशन, रवि किशन के घर में 4th बच्चा हुआ। आज तक की बड़ी पत्रकार गोदी मीडिया की सिरमौर चित्रा त्रिपाठी ने पूछा, आपके यहाँ 4th बच्चा हुआ? बोला सब नेहरू की वजह से है, नेहरू की वजह से इनके यहाँ बच्चे हो रहे हैं। भैया अब ये क्या सोचो, इनकी बुद्धि नेहरू को ये क्या काम करेंगे? तो आज का जोश है जनता में वो किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि 2 दिन रह गए वोटिंग में, 2 दिन बाद तय कर देगी जनता किसके हाथ में क्या आएगा। देखो मोदी जी ने पूरे देश को 10 साल ठगा है, 100 किलो भाषण दे के सुना के 5 किलो राशन देते हैं। 5 किलो राशन के लिए 100 किलो भाषण हमें सुनना पड़ता है। हम थक गए, हम पक गए, हम डर गए। उनको देखते हैं, हम रिमोट ले लेते हैं। एक आदमी थे भैया, मोदी जी बार बार आ रहे थे, रिमोट से बदल रहे थे, उठाया जूता टीवी फोड़ दिया इन्होंने। देखो इसको नहीं देखो, ये देखो मेरे सामने खड़े अपने टीवी फोड़ दिया, टीवी सहित कर दिया कि इसकी सूरत नहीं देखनी, ये गरीब आदमी 5,000 का टीवी लाया फोड़ दिया, बोला टीवी फूटा टीवी ठीक है, मोदी की सूरत ठीक नहीं है, हालत है। अच्छा ये नफरत है, क्या कहोगे? पसंद नहीं कर रहे मोदी जी को? भाई पसंद तो मैं क्या करता, जब मैं कोरोना में परेशान था तो मोदी जी हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहे थे, जब हम गंगा किनारे लाशों का पहाड़ था तो मोदी और योगी दिखाई नहीं दे रहे थे, जब हम गरीबी में तड़प रहे थे तो मोदी और योगी हमारे साथ नहीं थे, जब लॉकडाउन में यूपी बिहार का आदमी पैरों में छाले और पुलिसिया लाठी खाता हुआ अपनी बहन और बेटियों की इज्जत लुटवाता हुआ जा रहा था, मोदी जी नहीं दिख रहे थे। बहनों के गले में चमकता हुआ मंगलसूत्र मोदी जी को दिख जाता है, लेकिन मणिपुर में मेरी बेटियों को नोच नोच के कपड़े फाड़ लिए जाते, नहीं दिखता। ऐसा अंधा प्रधानमंत्री क्यों चाहिए हमें, ऐसा गूंगा प्रधानमंत्री क्यों चाहिए? जो ब्लू फिल्म बनाने वाले रेवन्ना के लिए बलात्कार कैसे करें, बलात्कार हमसे सीखे, जिसने बलात्कार करने की फैक्ट्री खोल रखी है उस रेवन्ना के लिए झोली फैला के वोट मांग रहे थे कि ये जीत जाएगा तो शक्ति मिलेगी। मोदी जी रेवन्ना के जीतने से शक्ति नहीं, शक्तिवर्धक मिलेगा। और अब बता दो कौन सा ऐसा च्यवनप्राश आपने खाया है जो आडवाणी को नहीं मिला, जो मुरली मनोहर जोशी को नहीं मिला, जो सुमित्रा ताई को नहीं मिला? 80 साल की उम्र में आप कह रहे हो 5 साल और काम दे दो मुझे, और 25 साल के नौजवान, ये मेरे बच्चे देखो ये रिटायर हो रहे हैं, इनकी छाती पे अग्निवीर का तीर मार दिया, पहलवानों को ब्रजभूषण दे दिया, किसानों को फांसी का फंदा दे दिया, बेटियों को इज्जत के लुटेरा दे दिया, ऐसे प्रधानमंत्री का मैंने अचार डालना है क्या? चाहिए क्या? नहीं चाहिए, ना ऐसा पीएम चाहिए, ना ऐसे पीएम का बच्चा, हमें ऐसा एमपी चाहिए, ना अश्लील पीएम चाहिए, ना अश्लील एमपी चाहिए। मोदी जी बोल रहे अभी तो ट्रेलर दिखाया था मैंने, फिल्म अभी बाकी है, इस बार वोट दीजिए फिल्म दिखाऊंगा। ट्रेलर में मेरी बेटियों को नंगा घुमाया गया, ट्रेलर में किसानों को 750 किसानों की बलि का बिल दिया गया, ट्रेलर में जवानों की नौकरी छीन ली गई, ट्रेलर में भैंस पानी में चली गई, ट्रेलर में मंगल सूत्र आ गया। हे मोदी जी अगर यह ट्रेलर है तो हाथ जोड़ कर पर पिक्चर नहीं बनाना, नहीं बनाना। हे मोदी जी 4 जून को पूरा हिंदुस्तान शान से कहेगा, दिवाली मनाएगा और बोलेगा अलविदा भाजपा, अलविदा भाजपा, अलविदा भाजपा। बड़े बड़े नारे आ रहे हैं, लेकिन एक और नारा है जो हमें गलियों पे दिखाई दिया, सड़कों पर दिखाई दिया, पोस्टर दिखाई दिए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या इस पर वोट जाएगा? देखिए मोदी जी का नाम कौशल्या नहीं है, मोदी जी का नाम कौशल्या नहीं, मोदी जी का नाम दशरथ भी नहीं है, और राम को लाने में माँ कौशल्या और दशरथ प्रभु के अलावा किसी के औकात नहीं है। राम जी का,
प्रभु राम को गाली ना दे कि हम लाए हैं। राम ने तो कणकण बनाया, ब्रह्मांड बनाया है। कहते हैं ना, कब लग करो मैं राम बड़ाई, राम न सके ही नाम गुण गाई। राम जी की बात करेंगे, जब माँ कौशल्या को विराट रूप दिखाया प्रभु राम ने, तो बोला माँ कौशल्या ने, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हथियार हितकारी। माँ कौशल्या की आंखें चमक गई प्रभु को देख के, और ये कल के टुच्चे पुच्चे जुआरी शराबी नचनिया कह रहे राम को लाए, ऐसे राम आ जाते हैं क्या? सात पीढ़ियां महाराज अज से लेके रघु से लेके दशरथ तक सात पीढ़ियों ने तप किया, तब प्रभु राम का अवतार उस कुल में हुआ। और उन्होंने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण चाहे पर बचन न जाए। पर मोदी तो गजनी हो गए, कल क्या बोला और आज क्या बोले वही याद नहीं है। यहाँ लिख लेते हैं हिंदू मुसलमान किया, यहाँ लिख लेते हैं तो मंदिर की बात करी, यहाँ लिख लेते हैं सवाई किया, और अमित शाह उनके साथ खेला कर देता है। रात को लिखता है, अमित शाह सुबह मिटा देता है। होने दो इसकी बेइज्जती, होने दो इसकी बेइज्जती, बोलने दो इसे झूठ। यह स्थिति हो गई है, घर में ही विभीषण है, ये क्या राम को लाएंगे? मोदी जी बोल रहे कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सामाजिक जीवन में नहीं रहूंगा। मोदी जी को 50 साल के बाद याद आया है कि मैंने मुसलमानों के घर की सेवई खाई। याद आया ना 50 साल के बाद, मेरे घर में ईद में सेवई खाना नहीं बनता था, मुसलमान भाई कटोरे में लेके आते थे, थाली में लेके आते थे, मैं खाता था। कोई मुझे बता दो भैया, किसी भी सेवई में मिर्च होती है क्या? नहीं। किसी भी सेवई में नमक होता है क्या? नहीं। किसी भी सेवई में जहर होता है क्या? नहीं। फिर ये इतनी जहरीली भाषा क्यों बोलते? मीठा बोलना था, मीठा बोलना था, इन्हें मीठी मीठी बात करनी थी, गला लगना था। ईद की मुबारकबाद देते, दिवाली की मुबारक लेते, आवाम के प्रधानमंत्री है वो, पूरे आवाम के प्रधानमंत्री है, किसी एक के नहीं है। मैं कहता हूँ ना, रगों में बहता रहा हिंदू मुसलमान बनकर, रगों में बहता रहा हिंदू मुसलमान बनकर, और लिफाफे में लिपट कर लहू वरदान हो गया। तब तो मैं किसी का लहू नहीं देखता, तब ये पॉजिटिव बी पॉजिटिव देखता हूँ, देखता हूँ मैं मुसलमान का है, मुसलमान का लहू देखता हूँ, हिंदू का देखता हूँ, हाथ जोड़ के कह देता, मेरे बाप को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो, भैया लहू दे दो। नहीं देखते हम, ये हिंदुस्तान हमसे बना है, हाँ से हिंदू माँ से मुसलमान। जब हम हैं तो हिंदुस्तान है, तब आवाम है, तब भारत है। बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है, यहाँ से बोल रहे कि कांटे की टक्कर होने वाली है, मुकाबला बहुत कड़ा है। कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी। बीमारी कितनी भी बड़ी हो बहन जी, डॉक्टर से छोटी ही होती है। तिवारी बीमारी है और कन्हैया कुमार डॉक्टर है। बीमारी जाएगी, ऑपरेशन होगा, पोस्टमार्टम होगा, चीड़ा फाड़ी होगी, हर तरह की बीमारी मिटाई जाएगी, जनता को राहत मिलेगी, हम चैन की सांस लेंगे। इतने आरोप लगा दिए बीजेपी ने, देशद्रोही बोल दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिया, फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, कायरों ने छुपके चांटे भी मारे हैं, थप्पड़ भी मारा है, कायराना हरकत पे भी आए, पर इन्हें ये खबर नहीं है, ये दिल वालों की दिल्ली है। एक बार केजरीवाल को थप्पड़ मारा, 3 बार मुख्यमंत्री बने। कन्हैया कुमार को 1 बार चांटा मारा, 30 बार सांसद बनेंगे। उल्टा पड़ गया उनका दम। देखिए, कभी भी हिंसा महात्मा गांधी के देश में, बुद्ध के देश में, बाहर जाके तो कहते हैं मैं बुद्ध की देश से आया हूँ, यहाँ कन्हैया कुमार को पिटवा रहे मोदी जी, यहाँ मनोज तिवारी जी चाट कहाँ पिटवा रहे हैं? अरे उन्हीं के साथ ही है, मनोज तिवारी के साथ ही ऐसा खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था, जो कन्हैया कुमार को माला ला के पार रहा था। किसको मार रहे हो? ये लोकतंत्र को मार रहे थे, कन्हैया कुमार के गाल पे चांटा नहीं था, ये बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान पे चांटा था, जिसे ये मिटा देना चाहते। हम तो गांधी के बच्चे, एक गाल पे मारोगे दूसरा कर देंगे। हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, मतलब बदलाव की लहर, बदलाव की लहर नहीं, ये ललकार है, ये ललकार है, और यही कन्हैया। नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अजीज़ो, अभी अभी आपने ये वीडियो क्लिप सुना है स्क्रीन पर, उस वीडियो के अंदर आपको साफ सुनाई दे रहा है, नारेबाजी लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि अब की बार जो है मोदी जी 4 जून को अलविदा कहने वाले हैं। फिर बहुत सारी बातें कही हैं इस व्यक्ति ने भी, और ये कहा है कि दो केजरीवाल और राहुल गांधी एक दूसरे को वोट डालेंगे अपना,
और बीजेपी का सोपड़ा जो है साफ कर देंगे। इस वीडियो के अंदर इस तरह की बातें कही गई हैं, और भी बहुत सारी गुफ्तगू हुई है, आप खुद सुन सकते हैं जैसा कि अभी आपने सुना है, और सुनिए, दूसरों को सुनने का मौका दीजिए। तो वीडियो को मेरे दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।